प्रथला विधानसभा के जाने माने गांव फतेहपुर बिल्लोज को प्रथला विधानसभा का आदर्श गांव बनाने के लिए गांव के सरपंच और प्रथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और प्रथला क्षेत्र के फतेहपुर बिल्लोज को विकास की एक नई राह देकर गांव को चमकाने की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में प्रथला विधानसभा के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा पहुंचे गांव फतेहपुर बिल्लोज में, जहाँ पर विधायक टेकचंद शर्मा ने प्रथला विधानसभा के गाँव फतेहपुर बिल्लोज को आदर्श गाँव बताते हुए गांववासियों को 1.5 करोड़ होने के वाले विकास कार्यों का तोहफा दिया। दिखाई दे रहा यह नजारा प्रथला विधानसभा के आदर्श गांव फतेहपुर बिल्लोज का है, जहां पर प्रथला विधानसभा के विधायक पंडित तेग चंद शर्मा ने करीब गांव फतेहपुर बिल्लोज में एंट्री द्वार का नारियल फोड़ कर उद्घाटन किया और गाँव के सामुदायिक भवन में पहुंचकर प्रथला विधानसभा के विधायक पंडित तेग चंद शर्मा ने गाँव के लोगों से गाँव के होने वाले विकास कार्य या और भी गाँव में कुछ कमियों के बारे में बातचीत की। इस बीच विधायक के सामने गांव के एक युवक ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में शिक्षक न होने की समस्या सामने रखी। इस समस्या पर प्रथला विधानसभा के विधायक पंडित तेग चंद शर्मा ने जल्द एक्शन लेने की बात कही। आज आप देख रहे हो जहां आप खड़े हैं उस भवन का शिलान्यास किया, अन्य कई चीजें लगभग 93 लाख रुपए की चीजों का मैंने यहाँ पर लोगों को समर्पित किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ 1.5 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य और होने हैं उनके लिए आज मैंने इनको बोला है कि ब्रिज डेवलपमेंट प्लान बना करके दें, जिससे कि यहाँ हम बहुत जल्दी उनके भी कार्य शुरू कर सकें। 1.5 करोड़ का जो शिलान्यास करने वाले हैं, क्या क्या काम रहेंगे उसमें? चौपाले हैं, गलियाँ हैं, अन्य मदद जाना नालियाँ हैं। भाई आदर्श गाँव की जो बात है, चाहे उसमें यहाँ पे स्वर्ण जयंती द्वार है या अन्य किसी समाज की जो जो भी प्रॉब्लम है, वो 1.5 करोड़ रुपये टोटल मिला करके इसमें और खर्च किया जाएगा। 95 लाख रुपये पहले दे चुके, अब तक लगभग इसमें बिजली, PNG, आपके अन्य सिस्टमों को लेकर के 8 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर 8 से 10 करोड़ रुपये यहाँ पर आ चुके हैं।